हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफी सारे प्लेयर्स नया बैट लेने के बाद ये बात तो सोचते ही होंगे कि बैट की नॉकिंग कैसे करनी चाहिए, बैट की ऑयलिंग आखिरकार कब करनी चाहिए, बैट को आपको हैमर से नॉक करना चाहिए या फिर बॉल को सॉक्स में डाल के उसका यूज करना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते ही होंगे। तो हाँ दोस्तों, आज हमारे पास ये एसजी का सन्नी टन्नी बैट है। मैं आपको आज इसको नॉक करके दिखाने वाला हूँ। इसके कुछ मिथ्स हैं और कुछ मिस्टेक्स भी हैं दोस्तों, जो पर्सनली हम कर देते हैं बैट को नॉक करने में। आपको क्या करना है, आपको बस नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और आज की वीडियो का हम लाइक्स टारगेट रखते हैं 6000 लाइक्स। बहुत कम है, आप आराम से कर ही दोगे। अब सीधा हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। चाहे कोई भी बैट हो दोस्तों, इंग्लिश विल्लो हो या कश्मीर विल्लो हो, अच्छे स्ट्रोक्स की जरूरत आपको पड़ती ही है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें अपने बैट की नॉकिंग करनी क्यों पड़ती है। जब भी आप नया बैट लेते हो दोस्तों, उसके विलो की सॉफ्टवुड होती है। सॉफ्टवुड मतलब उसके जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़े लूज रहते हैं। जब आप नॉकिंग करते हो, इसे हैमर करते हो, तो इसकी वुड थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है। उस कंप्रेशन की वजह से दोस्तों बैट में स्ट्रेंथ आती है। अब हम बात करते हैं कि हमें बैट को कैसे नॉक करना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने बैट के ऊपर टेप लगा लेनी है। आप देख सकते हैं ये इंग्लिश टेप लग रखी है। दो टाइप की टेप्स आती है, एक तो ये फाइबर ग्लास वाली आती है जो साइड में लगी हुई है, ये बड़ी भी आती है, चौड़ी भी आती है, पूरे बैट पे लग जाती है। और ये वाली दोस्तों, ये साइड में इसकी थोड़ी सी एक पट्टी फाइबर ग्लास की होती है, यहाँ पे और बीच में ये प्लेन टेप होती है, इसे कहते हैं इंग्लिश टेप। तो ये दो टाइप्स की टेप होती है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो ये टेप लगा लेनी है अपने नए बैट पे। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार आते ही आपको टेप नहीं लगानी चाहिए, आपको पहले ऑयलिंग करनी चाहिए उसके बाद टेप लगा लेनी चाहिए। बट दोस्तों मैं जितना मतलब एसजी के फैक्ट्री में गया था, एसजी के फैक्ट्री में जाके मैंने जब बैट मेकिंग प्रोसेस देखा, वहां पे मुझे पता लगा कि बैट को इतनी जरूरत नहीं होती आते ही ऑयलिंग करने की। ये जो बैट है दोस्तों, ये अभी बिल्कुल फ्रेश एसजी के फैक्ट्री से निकल के आया है, ये नॉकिंग के लिए तैयार है। आप जब ऑयलिंग करोगे दोस्तों, ऑयलिंग करने के बाद आपको बैट को 10 से 15 दिन ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, आप नॉकिंग नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही 10-15 दिन हो जाएंगे, उसके बाद जब पूरी ऑयल अंदर बुड़ के चली जाएगी, उसके बाद ही आप इसको नॉक कर सकते हो। तो दोस्तों मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ वो ये है कि आपके जो भी मतलब अब नए बैट्स जो भी आते हैं, आप सबसे पहले उसके ऊपर टेप लगा लीजिए। ऑयलिंग आपको जब ज़रूरत पड़ेगी, जब वुड सूख रही हो, मतलब मान लीजिए जैसे अभी लॉकडाउन में कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाया, तो आपकी वुड थोड़ी सूख गई होगी घर पे पड़े पड़े, तो आप उसकी ऑयलिंग कर सकते हो या फिर करवा सकते हो किसी से भी, अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है। ऑयलिंग के लिए दोस्तों एक प्रॉपर मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे। तो आज हम सिर्फ बात करते हैं नॉकिंग की, नॉक कैसे करना चाहिए हमारा बैट। दोस्तों सबसे पहले आपको बैट के चार सरफेसेस पे अच्छे से मैलेट का यूज करना है। सबसे पहला सरफेस है हमारी ये दोनों एजेस, ये जो एज होती है हमारे बैट की साइड की, जहाँ पे आपके मतलब शॉट खेलते हुए एज लग के निकल जाती है, सबसे पहली सरफेस तो हमारी ये है। उसके बाद ये हमारा टो का रीजन आता है दोस्तों, ये जो रीजन है इतना, ये हमारा टो का रीजन माना जाता है। इसको भी अच्छे से हमें मैलेट के यूज से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपका आता है स्वीट स्पॉट। स्वीट स्पॉट मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी वुड नज़र आएगी, उसे हम कहते हैं स्वीट स्पॉट। तो जनरली ये इतनी लेंथ का होता है, तो ये स्वीट स्पॉट माना जाता है। और चौथा सरफेस जो हमारा है, स्वीट स्पॉट से ऊपर जो यहाँ पे इतना सा रीजन रह जाता है, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। तो ये चार सरफेस को अच्छे से नॉक करेंगे। 45 डिग्री पे आपका मैलेट चलना चाहिए, ऐसे बिल्कुल आपको सीधा नहीं मारना है 90 डिग्री पे। और हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता कि जितना तेज आप मैलेट मारोगे उतने ही जल्दी आपके स्ट्रोक्स बन जाएंगे, आपकी अच्छे से नॉकिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको हर जगह सेम इंटेंसिटी से मारना है। मतलब मान लीजिए आप चाहे ऐसे मार रहे हो, तो आपको हर बार इसी स्ट्रेंथ से मारना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी आपको 45 डिग्री वाली बात याद रखनी है। अब सबसे पहले हम एज को नॉक करते हैं। देखो एज को नॉक करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा आपको ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ये 45 डिग्री पे ही चलेगा हमारा हैमर, और साइड में स्लाइड कर देना है, ठीक है, हल्के हल्के हाथ से ऐसे चलाते रहना है। अभी आप देख सकते हो ये कितनी शार्प है ये ब्लेड, तो हमें क्या करना होता है, इसे ब्लंट करना होता है ताकि एज लगने के बाद कहीं ये बैट टूट ना जाए साइड से, तो इसीलिए हम साइड की एज सबसे पहले करते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, पूरा अपने आराम से टाइम लेना है आपको।
आपको ये नहीं है कि बहुत तेज से आप मार रहे हो यहाँ पे, बहुत तेज से कहीं नॉकिंग करते हुए आपका बैट टूट जाए, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको हल्के हल्के अपनी नॉर्मल स्पीड से चलना है। आपको ये एजेस, दोनों एज जो है 20 से लेके 25 मिनट तक ऐसे ही नॉक करनी है। उसके बाद दोस्तों बात आती है टो की। टो का रीजन जो होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप में से काफ़ी सारे प्लेयर्स के बैट टो के यहाँ से पोर्शन से ही टूटते होंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता देता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो आपका सबसे पहले ये जो सरफेस होता है ये वाला, आपको इसको थोड़ा सा जैसे आपने साइड वाली ब्लेड को किया था वैसे ही आपको टो का थोड़ा सा कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी शार्प रहता है। जनरली क्या होता है, जब यहाँ पे मतलब बॉलर कोई यॉर्कर फेंकता है तो वो जब हम खेलने चले जाते हैं उसके बाद यहाँ से बैट क्रैक हो जाता है इस वाली वर्जन से। ठीक है, मैं आपको अपना बैट भी दिखा देता हूँ। एक ये देखिए, ये बैट जो था मेरा पुराना SS T20 चैम्पियन था, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये यहाँ से क्रैक हो चुका है। इसका भी दोस्तों यही रीज़न था, क्योंकि जब एक यॉर्कर बॉल आई थी और मैंने एकदम से ऐसे हिट करा था उसे, तो हिट करने की वजह से यहाँ पे क्रैक आ गया था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसको आपको कैसे नॉक करना है। आपको हल्के हाथ से बिल्कुल ऐसे चलाना है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारना है, ये वाला रीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये देखिए, ये जो सरफेस है ये ऐसे हो चुका है, ये बिल्कुल मतलब आपका थोड़ा सा राउंड में आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे बना देना, 5 से 10 मिनट आप इस वाले रीजन को कीजिए, और उसके बाद ये जो टो का एरिया रह चुका है इसको हमें ऐसे करना है। ठीक है, 45 डिग्री का जो मैंने बताया था वैसे ही आपको चलाना है हैमर। यहाँ पे आप ज़्यादा जोर मत लगाइएगा हर चीज़ पे दोस्तों, आप 10-10, 15-15 मिनट लीजिए। इसके बाद जो स्वीट स्पॉट आ जाता है इसके ऊपर आप चला सकते हैं ऐसे, आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे चला रहा हूँ ऐसे। ये देखिए क्या मस्त आवाज़ आ रही है इस बैट में से। तो दोस्तों आप ये चीज़ आप अपने घर में खाली बैठे हो तो घर में भी कर सकते हो। जनरली तो क्या होता है, फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी काफ़ी अनोइंग आवाज़ हो सकती है। तो आप जैसे ही मैच खेलने जा रहे हो, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, तो आप आधा एक घंटा इसको ऐसे हैमर से नॉक कर सकते हो। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आपको कब तक हैमर से इसकी नॉकिंग करते रहना है। देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, एक छोटा सा तरीका है ये जानने का। आपको क्या करना है, एक बॉल लेनी है और बॉल लेके ऐसे ऐसे बाउंस करनी है, ठीक है। ऐसे करने के बाद अगर यहाँ पे आपकी वुड पे ये जो सीम के निशान है दोस्तों, आपको सीम के निशान यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि बैट को और हैमर की ज़रूरत है, आपको और 2 से 3 दिन इसको हैमर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीम के निशान इतने नज़र नहीं आ रहे तो दोस्तों आप अपने एकेडमी जाके या फिर कोई भी ग्राउंड जाके आप इसके साथ शॉर्ट कैचेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर ट्राइव्स की ड्रिल्स कर सकते हैं, और उससे ऐसे ही जैसे आप रेगुलर हो जाओगे 10 से लेकर 14 दिन बाद आप इसको मैच में भी लेके जा सकते हो। तो क्रिकेटर्स, ये थी कुछ टिप्स बैट को नॉक करने की। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, 6000 लाइक्स का हमारा टारगेट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, 100K करा दो यार फटाफट से, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप की वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और अपने फैमिली में भी करवा दो। नीचे कमेंट करके बताओ आपको कौन सी वीडियो आगे आने वाले टाइम में चाहिए, और ऐसे ही आप नॉक करते रहिए और ऐसे ही बैट को तैयार करके उसके साथ रन बनाते रहिए ढेर सारे। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।